मार्केटिंग और मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं जमील गौरी साहब। इस महफिल का आगाज तलावत कुरान पाक से हो चुका है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारी इस तकरीब में शामिल हुए। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की डेवलपमेंट के हवाले से, उसके फ्यूचर प्लान्स, उसकी मार्केटिंग के हवाले से मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगी डायरेक्टर मार्केटिंग BSM डेवलपर्स राणा मोहम्मद शर्जील साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। टजीन मार्केटिंग को, होम मार्केटिंग को और होम की को तहे दिल से शुक्रिया। 60 से 65 दिनों के अंदर जो जगह पे यहाँ पे लॉन्च किया गया था, आज वहाँ पे अगर आप देखें तो दूर दराज तक डेवलपमेंट हमारी जा चुकी है और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारी डेवलपमेंट टीम को। ऐसा शाहकार बनने जा रहा है जो गुजर खान के लोग इससे पहले पिंडी, इस्लामाबाद या शहरों से बाहर जाके देखते थे। अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारे बहुत ही खास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान मिस्टर नवीद अहमद नद साहब कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर तालियों में वेलकम कीजिएगा। अच्छी डेवलपमेंट हुई हुई है वहाँ पर, लोग जाते हैं। सबसे नंबर वन डेवलपमेंट हमारी माशाल्लाह ग्वादर गाँव सिटी में। दूसरा प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर, वो भी आज से 3-4 पहले कम्प्लीट किया। हमारी इस वक्त भी 337 मशीनरी आज चल रही है वहाँ पर। इसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा ये न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, ये भी हमने आज से तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ इसकी अर्थ ब्रेकिंग की थी, यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। 2 महीने शुरू करने के बाद हमारी 200+ मशीनरी से हमने काम का स्टार्ट लिया। इंशाल्लाह ताला जिसकी भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, आपको काम होता हुआ नजर आएगा, 24/7 काम नजर आएगा, यही हमारी सक्सेस है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इन्वेस्टर्स को मार्केटिंग की जो एक सेफ्टी फ्राहम की है, मेरे ख्याल में इससे बेहतर आज तक मार्केट में नहीं देखी गई। तो मैं इस वक्त स्टेज पे दावत देना चाहूंगी हमारे CEO हो मार्केटिंग इंजीनियर तलहा राणा, आप सबकी भरपूर तालियों में उनका वेलकम करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन प्रेजेंट हियर। एक कॉल के ऊपर रियल्टर्स, हमारे भाई, हमारे इन्वेस्टर्स तशरीफ़ लाए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं मेट्रो सिटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ासतौर पर जरून भाई का, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक साइट का विज़िट करवा सकें, साइट दिखा सकें अपने सब उन भाइयों को जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं मेट्रो सिटी के साथ, और वो एक्चुअल में देखें कि मेट्रो सिटी क्या कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मेट्रो सिटी जो है इज़ द टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, जितने एक्सपीरियंस्ड सेल्स पार्टनर्स, इनके मार्केटिंग हेड्स, सेल्स हेड्स, डेवलपमेंट हेड्स, जितने मेट्रो सिटी के साथ हैं वो मैंने कहीं नहीं देखे आज तक। तो ये और इस सब रिसोर्सेज को वो दिन रात यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैं जब मार्केट के हवाले से थोड़ी बात करूँगा, होप मार्केटिंग एक्चुअली उम्मीद है, तो हम लोग एक्चुअली विजन दे रहे होते हैं अपने एंड यूजर्स को, उन लोगों को जो कि प्लॉट लेना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम घर बनाएं और इंस्टॉलमेंट से प्लॉट लेके बनाएं। उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि जो जो लोग भी इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन सबको प्लॉट मिलेगा। इस पर सब लोग क्लैपिंग करें कि आप लोगों को जो जो भी इधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको प्लॉट मिलेगा। और होप मार्केटिंग का एक और भी नारा है, हम लोग कहते हैं हम प्रॉफिट नहीं बेच रहे, हम प्लॉट बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट खुद ही आ जाएगा जब आपको प्लॉट मिलेगा। तो हम जो जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो इंस्टॉलमेंट दें, डेवलपमेंट देखें और नई नई मार्केट्स में इसको सेल करें, ताकि आप लोग भी ख्वाब को शर्मिंदा तरबीर होता देख सकें। अब सब बातें हो गई हैं, जो मेन अनाउंसमेंट्स हैं वो डेफिनेटली हमारे आज के चीफ गेस्ट, हमारे इस महफिल की जान, मेट्रो सिटी की शान जरूर मसूद साहब उसको अनाउंस करेंगे। तो मैं बस दावत देता हूं कि आए और जरूर मसूद साहब को इनवाइट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर
M13 मोटरवे यहाँ से गुजर के कंप्लीट होगा और 1.5 साल से पहले पहले हम पूरी कोशिश करेंगे। नवीद साहब का तो टारगेट कम टाइम का है, लेकिन फिर भी एक आप सबके सामने कमिटमेंट करनी है, तो अगर 2-4 महीने ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो 1.5 साल के अंदर इसकी कंप्लीशन के साथ साथ आप देखेंगे कि सेक्टर 1 भी इंशाल्लाह कम्प्लीट होगा। अगर आप हर ग्राउंड पे इसको चेक करें कि किसी प्रोजेक्ट में 8 से आपके सामने 5-5, 7-7 साल हो गए हैं, तो वहाँ पे एक घर नहीं बन सका। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मार्च के अंदर यहाँ पे आपको, मार्च नहीं जून तक आपको यहाँ पे 200 फैमिलीज शिफ्ट नजर आएंगी। जी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 200 विलास हमने स्टार्ट किए हैं, बेचे नहीं, हमने खुद ही स्टार्ट किए हैं, और हो सकता है कि वहाँ पर हम उनको एक मेरा जो प्लान है, हो सकता है कि हम वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हम लोगों से लें, जो फैमिली शिफ्ट होना चाहती है बेस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स, हम इंतहाई फ्लेक्सिबल प्लान उनको शिफ्ट कर लें, पेमेंट्स बाद में लेते रहेंगे। वहाँ शुरू हो जाएगी हमारी खारी असलम गिर के अंदर भी आप देखें। मैं चैलेंज करता हूँ कि पंजाब रियल स्टेट की हिस्ट्री में फास्टेस्ट डिवेलप होने वाला प्रोजेक्ट है जो 15,000 कनाल से ऊपर है पंजाब रियल स्टेट की हिस्ट्री में। बाकी रियल स्टेट कम्युनिटी जो हमारे साथ यहाँ पे अटैच है, मार्केट के अप्स एंड डाउन चलते भी रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। मेन पॉइंट इज दिस के डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड हम कम्प्लीटली जो है 24 आवर्स फोकस कर रहे हैं। कुछ मार्केट का कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ से निकल के आप सबके हाथों में भी आ जाता है, तो उसमें डेफिनेट बात है कुछ दोस्त जो हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते। लेकिन आज स्पेसिफिकली मेरी शफकत से, तला से, विकास से कुछ दिन पहले भी मीटिंग में जो और भी दोस्त थे जो स्पेशली मार्केटिंग में फोकस करते हैं, एंड यूज़र में फोकस करते हैं, उन्होंने मेरे से ये भी रिक्वेस्ट की कि मैंने उनको यही बोला कि जी आप डेवलपमेंट लोगों को दिखाएं, क्लाइंट्स तक डेवलपमेंट पहुंचाएं, इसकी फुटेजेस पहुंचाएं, इसको मार्केट करें। तो उनमें से कुछ दोस्तों ने कहा कि जी उसके लिए पैसे लगते हैं। वो किस लिए पैसे लगते हैं कि मार्केटिंग करनी पड़ती है, डिजिटल मार्केटिंग जो है इतनी सस्ती नहीं है जितनी हम समझते हैं एज ए डेवलपर कि आप लोग मार्केटिंग पे पैसे लगा दें, सारे मुश्किल काम है, और फिर लोग कहते हैं आप रिबेट्स भी थोड़े देते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि हमारी डेवलपमेंट, हमारी मेहनत लोगों तक पहुँचे, किसी का लेना ना लेना वो बात की बात है, लेकिन पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक थोड़ी सी पॉलिसी है जो हमने फिर मैंने इंगेज की है और आपको उसका पता भी चल गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप सब क्रिएटर्स के लिए सबमिशन इंसेंटिव्स हैं वो हमने अनाउंस मैंने किए हैं और स्पेशली कमर्शियल्स के ऊपर। और कल की डेट में मैंने, बल्कि आज इवेंट पे आने से पहले मुझे मेरी सेल्स टीम दिखा रही थी, थोड़ा मुझे अच्छा भी फील हुआ और थोड़ा सा जो है वो पैनिक भी फील हुआ। कल की डेट में 3.5 करोड़ से ऊपर के सबमिशन इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब क्रिएटर्स को ही हुए हैं जिन्होंने सबमिशन करवाई है। तो और डेवलपमेंट दिखाएँ, अपने एंड यूज़र पर वर्किंग करें, ट्रेड भी करें, लेकिन कोशिश करें कि अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो एंड यूजर तक पहुंचाने की कोशिश करें। ब्रीफिंग करने का मकसद यह है कि जो हम आपको यहाँ ब्रीफ करें आप उनको कर सकें। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रही है, इट्स एन आइकॉनिक प्रोजेक्ट, और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, वक्त इंशाल्लाह बताएगा। इसी तरह के हर 2 हफ्ते बाद हम यहाँ पर डेवलपमेंट के ब्रीफिंग सेशन यहाँ पर रखा करेंगे, ताकि आपकी तरह के और भी दोस्त पूरे पंजाब से, हमारी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब से है, आप सब दोस्त अच्छा काम करें। बाकी अगेन आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और अगेन जो हमारे आज के होस्ट हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब दोस्तों को यहाँ पे बुलाया इंशाल्लाह। और अगेन कोशिश करेंगे हर लिहाज से सबको साथ लेके चलें, जो भी कोताहियाँ कमियाँ हमसे होंगी विद पैसेज ऑफ टाइम उसको भी हम करेक्ट करेंगे। हम भी इस मार्केट के अंदर इतने बड़े स्केल पर नबिया 90 डेज़ ओल्ड, और हम भी गलतियों से अपना सीखेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करके अगेन मैंने बताया कि सिर्फ हमारा प्रोडक्ट नहीं, आप सबका प्रोडक्ट है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके पास आया है। और आई अश्योर यू, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी प्लानिंग है, जो प्रॉस्पेक्ट है यहाँ पे, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके रखें, प्रोजेक्ट को उठा के रखें, अगले 5-7 साल आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, अगर इसी तरह जॉइंटली कनेक्टेड मार्केट और डेवलपर हम कनेक्टिविटी में चलते रहें इंशाल्लाह। बाकी अगेन बहुत ज़्यादा भी हो, बाकी थैंक यू सो मच।